मेरठ वासियों को पासपोर्ट की सुविधा मिलने के बाद में पासपोर्ट को लेकर मेरठ में आवेदकों की संख्या बढ़ गई है। प्रतिदिन 40 से 45 आवेदन पासपोर्ट बनवाने के लिए आ रहे हैं। इसमें गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, बागपत आदि शहरों के लोग भी पासपोर्ट आवेदन के लिए मेरठ पहुंच रहे हैं। पासपोर्ट के बारे में बताएं तो 15 दिन में पासपोर्ट बनकर तैयार हो जाता है यदि पुलिस वेरिफिकेशन समय से हो जाए। नमस्कार, मैं पासपोर्ट इंचार्ज पवन शर्मा पासपोर्ट ऑफिस गाजियाबाद की तरफ से यहाँ पे बैठता हूँ। उन्होंने अधिकृत किया हुआ है। यहाँ पे जब से दफ्तर खुला है, पहले एक घटना हो गई थी, कैमरे चोरी हो गए थे, तो उस वजह से थोड़ा सा बीच में अपॉइंटमेंट्स हमारी डिले हो गई थी। तो उनकी व्यवस्था में, कैमरों की व्यवस्था में भी टाइम लग गया था, तो लगभग महीना भर 25-26 दिन के आसपास टाइम लग गया था वो सब इंस्टॉलेशन होने में, रीपरचेजिंग में। और उस दौरान फिर वो दफ्तर काफ़ी अलग था, यहाँ पे फिर ये परिसर में पासपोर्ट अधिकारी और अनुराग जी जो प्रवर डाक अधीक्षक हैं उनके प्रयासों से यहाँ पे शिफ्ट हुआ, और तब से अपन जो है संचालित रूप से स्मूथली चल रहा है ऑफिस। पर डे कितने आवेदन पासपोर्ट के लिए सर आ जाते हैं? पर डे हमारे 45 के पास अपॉइंटमेंट और PCC के अपॉइंटमेंट। रिसेंटली जैसे डिमांड बढ़ी है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बोलते हैं उसे PCC को, वो डिमांड जैसे बढ़ी तो एक वहाँ से तो हमारे मंत्रालय ने उसके अपॉइंटमेंट्स जो है जिले स्तर पे भी अलॉट कर दी। POPSK में PCC के अपॉइंटमेंट्स पहले होती नहीं थी, तो वो जैसे ही मंत्रालय ने निर्देशित किया तो वो अपॉइंटमेंट्स खोल दी गई और जिले स्तर पे भी PCC के अपॉइंटमेंट्स जो हैं खोल दी गई थी। जैसे काम के सिलसिले को लेके जो पासपोर्ट बनवाते हैं तो क्या उसके लिए मेरठ में ही पुलिस वेरिफिकेशन हो जाती है या गाजियाबाद जाना पड़ता है? वो जो अपने प्रेजेंट एड्रेस एप्लीकेशन में जिनका प्रेजेंट एड्रेस जो भी अपना मेंशन करके लेते हैं वो लेके आते हैं, वो उस जिले में ही वहाँ के जो अपने थाने स्तर पे वहाँ से हो जाती है SSP ऑफिस से रिपोर्ट। तो आपके यहाँ इस तरह की कितनी एप्लीकेशन सर आ रही हैं? जैसे अब कोरोना फ्रेश की अपॉइंटमेंट हमारे पास 45 अपॉइंटमेंट्स और PCC की 15। तो इस टाइम मतलब अब जैसे कि न्यू ईयर आने वाला है तो क्या पासपोर्ट बनवाने वालों की संख्या बढ़ी है? जैसे बाहर घूमने जाते हैं बहुत ले अर्जेंट में बनवाते हैं पासपोर्ट। मैम ये तो अब लोगों के आवेदक बढ़ रहे हैं, आवेदक तो बढ़ ही रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई न्यू ईयर है या मतलब वैकेशंस के लिए एप्लीकेशन बढ़ रही है। अब लोग बागों में जैसे पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट को लेके अवेयरनेस आ रही है, उस तरीके से लोग बाग पासपोर्ट बनवाने के में काफ़ी मतलब इच्छुक हैं और बनवा भी रहे हैं। तो सर आवेदन करने के कितने दिन बाद पासपोर्ट बन के आ जाता है? मैम इट्स डिपेंड्स ऑन पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन पासपोर्ट आवेदन मान लो आप आज करते हो तो विद इन 15 डेज अराउंड उसमें पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी पूरी हो जानी चाहिए, तो 15 दिन के आसपास में पासपोर्ट बन के आ जाता है घर पे स्मूथली। तो जैसे शनिवार को सर छुट्टी रहती थी तो क्या आप शनिवार को भी पासपोर्ट के लिए काम चल रहा है? जी, ये अभी हमारे मंत्रालय द्वारा जैसे जैसे अपॉइंटमेंट का साइकिल लोग बाग जैसे आवेदन बढ़ रहे थे उसको देखते हुए लोग बाग अप्लाई कर रहे थे, तो लोगों को जो अपॉइंटमेंट का जो साइकिल था वो 1 मंथ के अराउंड चला गया था। 1 मंथ तो उसको रिड्यूस करने के लिए अपॉइंटमेंट साइकिल को मंत्रालय द्वारा प्रयास किया गया कि भाई इसको किसी तरीके से कम किया जाए ताकि लोगों में लोग सुलभता से अपना पासपोर्ट जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकें। तो सैटरडे को इसमें मंत्रालय द्वारा निर्देशित किया गया, अपॉइंटमेंट खोली गई और POPSK में भी और जिले स्तर पर भी जितने भी पासपोर्ट ऑफिस के अंतर्गत जितने भी POPSK आते हैं सेवा पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं उनमें अपॉइंटमेंट्स खोली गई हैं और आने वाले टाइम में जल्दी ही स्मूथली हो जाएगी अपॉइंटमेंट। हफ्ते भर में आदमी अपनी अपॉइंटमेंट ले पाएंगे आवेदन। सर जैसे मेरठ के अलावा कुछ और बाहर के जिले के लोग भी यहाँ अपॉइंटमेंट? बिल्कुल मैम, मंत्रालय द्वारा सुविधा दी गई है कि भाई आस पास के जिले के भी लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कैमरामैन शिवम कनौजिया के साथ मैं निहा त्यागी, जनवाणी न्यूज़ मेरठ।